स्वरूप योग की अनुभूति कैसे करें? तो ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति के लिए पांच बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। पांच बातों पर दिल से अभ्यास करेंगे तो गारंटी है आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। पहली बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना बहुत जरूरी है। बहुत गहराई की आत्म अनुभूति करना अर्थात एकांत में बैठकर आत्मा की अनुभूति गहराई से करना है, बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को भ्रुकुटि के बीच में चमकता हुआ स्टार विजुलाइज करना है। और विजुअलाइजेशन का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना जरूरी है। मान लीजिए नया कोई बाबा का बच्चा है, 100% में से 10% भान से वो आत्मा को देख रहा है, तो हमें क्या करना है? 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 100% तक हमें पहुंचना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। केवल आत्म अभिमानी नहीं, संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना, अर्थात 100% आत्मा का भान हो, 0% देह का भान हो। तो इसको आवश्यकता है बहुत गहराई की आत्मिक स्थिति और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति का अनुभव जरूरी है। अभी शक्तिशाली का मतलब क्या है? योगाभ्यास में आप बैठेंगे स्वयं को साधारण आत्मा समझकर, तो आपको थोड़ा सा करंट मिलेगा, थोड़ी सी शक्तियां मिलेगी, लेकिन आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस है, उनसे बहुत एनर्जी आत्मा स्वतः ही अपने में खींच सकेगी, ग्रहण कर सकेगी। उसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे पावरफुल आत्मिक स्थिति में हमें बैठना है। जब भी हम बैठक का योग करते हैं, अमृत वेले या नमाज शाम के समय बैठक का योग करते हैं, तो बैठक के योग में हमारी बहुत शक्तिशाली आत्मिक स्थिति होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा के तरफ बुद्धि जाती है, बाबा की याद आती है और हमारे पाप खत्म होने लगते हैं। तो इसलिए आत्मा का अभ्यास हमें बहुत घोट घोट के पक्का करना है, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आत्मा के पाठ को बहुत घोट घोट के, रट रट के, कुट कुट के पक्का करना है। जानकी दादी जी 74 में
पूना में थी विदेश आने के पहले, तो संतोष दीदी जी बॉम्बे की उनके साथ ट्रेनिंग के लिए रहती थी, तो देख रही थी कि दादी जी अपना कारोबार समेट के एकांत में घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठती है। एक दिन संतोष दीदी जी ने दादी को पूछा कि दादी जी आप अकेले में बैठ के क्या करती हैं? तो दादी जी ने कहा, मैं खुद को कूटती हूं, आत्मा का पान घोटती हूं, रटती हूं, क्योंकि 24 घंटे हमें देह का भान रहता है। ये गलत भान है, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, उल्टी घूम रही है। अभी उसको सुलटा घुमाना है, आत्मा का अभ्यास बढ़ाते जाना है और धीरे धीरे उसकी गहराई हमें बढ़ाते जाना है। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात हमें परम धाम में बाबा के पास जाकर बाबा के स्वरूप को बहुत नजदीक से देखना है कि बाबा का स्वरूप कितना गजब का है, कैसा उनका मन है, बहुत पवित्र संकल्प सोचता है, बुद्धि कैसी है, बहुत दिव्य है, बहुत विशाल है, संस्कार कैसे है, बहुत रॉयल है, गजब की पर्सनालिटी बाबा की है। बहुत नजदीक से हमें देखना है, दिव्य नेत्र से बाबा के स्वरूप को नजदीक से देखना है। गहराई से देखना माना नजदीक से देखना, बहुत नजदीक हमें बाबा के साथ जाके बैठना है परम धाम में और नजदीक से देखना है। आपके मन में संकल्प आता होगा, क्या सचमुच हम बाबा के नजदीक बैठ सकते हैं? बाबा तो पवित्रता का सागर है, मुझ आत्मा में तो अपवित्रता के दाग है। बिल्कुल बैठ सकते हैं, बड़े ठाठ से बैठ सकते हैं। उसके 2 कारण हैं। बाबा ने हमें सजनी के रूप में स्वीकार किया, सजनी कैसे भी हो उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है। दूसरी बात, बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है, बच्चा कैसा भी हो उसको अपने बाप के गोदी में नहीं कंधे पर भी बैठने का अधिकार होता है। तो बड़े ठाठ से हमें बैठना है और बाबा को गहराई से देखना। और अभी बाबा का शक्तिशाली स्वरूप हमें देखना। बाबा का स्वरूप कैसा है भाई? बाबा का स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप ही है, जैसे आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है वैसे परमात्मा का भी स्वरूप ज्योति बिंदु ही है, स्वरूप में कोई अंतर नहीं। फिर अंतर किसमें है? जिन 7 गुणों का आत्मा स्वरूप है, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति, तो इन 7 गुणों के बाबा बिंदु है, लेकिन 7 गुणों के सिंधु है, सागर है। उस बिंदु में 7 सागर समाए हुए हैं। कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी आप सोचो। सारे संसार की रचना का ज्ञान उसके पास है, सारे संसार की रचना को चलाने की ताकत उसके पास है,
तीनों लोगों की कारोबार उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दुनिया के लोग कहते हैं ये जो झाड़ का हरे झाड़ का पत्ता हिलता है वो भी भगवान के इशारे से हिलता है। ये हरे झाड़ का पत्ता नहीं, हम जो आत्मा रूपी पत्ते हैं कल्प वृक्ष के, वो मन के इशारे के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। आप सोचो, तीनों लोगों की सत्ता उसके पास है, सारा संसार उसके मुट्ठी में है, कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी आप सोचो। जैसे अर्जुन को साक्षात्कार हो रहा था, और जब साक्षात्कार हो रहा था तो अर्जुन वर्णन कर रहा था परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्यों से तेजों में है, बस 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 करो भगवान, बस करो, मैं आपका स्वरूप सहन नहीं कर सकता, ऐसा अर्जुन वर्णन कर रहा था। तो परमात्मा का स्वरूप इतना तेजो में नहीं है, लेकिन शक्तिशाली जरूर परमात्मा। एक सूर्य तो क्या हजार सूर्य भी पैदा कर सकता है। ये जो सूर्य है दुनिया का, ये तो केवल एक ही दुनिया में प्रकाश उसका फैलता है। परमात्मा का प्रकाश तीनों लोगों में हमेशा प्रवाहित होता रहता है। एक बार क्या हुआ, मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चला रहे थे, तो बाबा के सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। तो उसने बाबा को कहा, बाबा मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, छोटा प्रश्न पूछूं। बाबा ने कहा पूछो। तो उसने कहा मेरा बहुत छोटा प्रश्न है, अभी आप परम धाम से आकर ब्रह्मा तन में मुरली चला रहे हैं, क्या इसका मतलब परम धाम खाली है अभी? प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा उसने। अभी आप अपने घर से बाहर जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, अमेरिका से, तो अमेरिका का तो घर खाली होगा ना भाई आपका। तो परम धाम से बाबा यहाँ आए तो परम धाम खाली हो है क्या, ऐसा पूछा उसने। तो परम धाम खाली नहीं होता है, ये परमात्मा तीनों लोगों में कहीं पर भी होंगे तो भी उनका प्रकाश तीनों लोगों में सर्वत्र व्यापी होता है, इसलिए परमात्मा एक ही समय अनगिनत स्थानों पर जा सकता है, अनगिनत कार्य कर सकता है, इसलिए लोगों ने परमात्मा को सर्वव्यापी समझा। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिवान जरूर। तो कहने का मतलब है परम धाम में हमारा बाबा का स्वरूप बहुत नजदीक से देखना है और शक्तिशाली देखना है। हमने बाबा के ऑर्डिनरी बना दिया, वो तो मेरा बाबा है, बाबा तो है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता वो है। तो ऐसा स्वरूप हम बाबा का देखेंगे परम धाम में, तो बाबा से बहुत शक्तियां आत्मा में आती रहेगी और ऐसा ज्वाला स्वरूप योग हमें अनुभव होता जाएगा। तीसरी बात है, ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हमारा मन और बुद्धि
ईश्वरीय नशे से खुशी से भरपूर, तब परमात्म मिलन का मजा ही कुछ और आता है। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से हम मिल रहे हैं तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए भाई, बहुत खुशी होनी चाहिए। एकदम ऐसे ही कुछ साधारण समझ के बैठे, मन बुद्धि भी साधारण, योग करने के लिए बैठे हैं, योग करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता से मुलाकात करने के लिए हम बैठे हैं। ऐसा बहुत खुशी से नशे से हमें बैठना है, तब उस मिलन में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव होंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सारे दिन भर में स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास करना होगा। तो समान के सिंहासन पर बैठे रहेंगे तो हमें बहुत ईश्वरीय नशा चढ़ा हुआ रहेगा, बहुत खुशी में झूमते रहेंगे। देखो बाबा ने हम बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए समान का सिंहासन दिया, समान का हाथ हम पकड़ते हैं तो परमात्मा का साथ हमें मिलता है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, अभी साधारण पोजीशन में हैं, लेकिन सतयुग त्रेता युग में राजे महाराजे रानी महारानियों के रूप में हमारी पोजीशन थी, लेकिन द्वापर युग से माया के जेल में हम रहे 2500 साल तक। उसके कारण आत्मा में कूट हीन भावना इन्फेरिटी कूट कूट के भरी पड़ी है। उससे बाहर निकलने के लिए बाबा ने स्वमान का साधन दिया है। तो स्वमान था स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। मैं जब ज्ञान में आया 72 में तो 2-3 साल तक मेरा योग ही नहीं लगता था। फिर बाद में मैंने सोचा कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसका कारण निकला इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना। तो मैंने उसको खत्म करने के लिए समान का अभ्यास करना शुरू किया और उसके बाद मैं धीरे धीरे ऊपर आने लगा और योग मेरा बहुत अच्छी तरह से बढ़ता गया। तो समान धारी बनकर रहना है, इस सिंहासन हमें भगवान ने दिया है, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। कोई कितना भी प्रयास करे इस सिंहासन को हमने नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत प्राप्तियां कराने वाला ये सिंहासन है। सेकंड में परमात्मा से मिलन मनाता है ये स्वमान का सिंहासन। तो हमें बैठे रहना है, डटे रहना है और ईश्वरीय नशे में झूमते रहना। कहते हैं जितना ऐश्वर्य नशे में चू उतना इस दुनिया से दूर अनुभव करते हैं। ये तो माया की दुनिया है, इसमें रखा क्या है, इसमें कुछ नहीं है। हमारे सतयुग की दुनिया के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तो समान में स्थित रहना है, कोई ना कोई टाइटल आपको सेलेक्ट करना है जो आपको खुशी दिलाता है, नशा चढ़ाता है, मस्ती चढ़ाता है,
ऐसा कोई भी टाइटल आपको सिलेक्ट करना है, अपने आप करना है। भवानी मुरली में सबसे जास्ती सोमा के टाइटल दिए हैं। देखो मैं 88 में बाबा से ओम शांति भवन के स्टेज पर पर्सनली मिल रहा था, तो बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तक आत्मा का टाइटल दिया। विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो, परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। अभी मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, जब मुझे स्मृति आती है मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, स्मृति आती ही 1 सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती है, बाबा के पास बिठा देती है। ये है सोमान का चमत्कार। तो डॉक्टर जन्म से डॉक्टर नहीं होता है, इंजीनियर जन्म से इंजीनियर नहीं होता है, पढ़ाई पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, फिर मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये लौकिक सोमान है और ये आत्मा का सोमान है, अलौकिक सोमान है। अभी चौथी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता बस बहता ही रहे। तो जितना प्यार बाबा के प्रति बढ़ता जाता है, प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, हमारे और बाबा के बीच में हजारों माइल की दूरी है, एकदम उस दूरी को समाप्त करके कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता। इसलिए हमारे दिल में परमात्म प्यार बढ़ता रहे। आपके पास कॉपी पेन अगर होगी तो आप लिखो 5 बातें। मेरा बाबा से ही प्यार होना चाहिए, किसी व्यक्ति वैभव के साथ नहीं होना चाहिए। लिखो पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, रिलायबल लव है, ट्रस्ट वर्दी प्यार है। आत्माओं के प्यार में द्वापर युग से हमने बहुत धोखे खाए हैं। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आत्माओं के प्यार में कितने कंडीशंस होते हैं, कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बाबा कहते हैं मुझे केवल सच्चाई चाहिए, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो परमात्म प्यार अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, बेहद का प्यार है और अविनाशी प्यार। स्वार्थ के बिना इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता है। कहते मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, कितना अंतर है। तो परमात्मा का ही प्यार निस्वार्थ प्यार है और बेहद का प्यार है। आत्माओं का प्यार तो ये गागर खाली है, छलकती है, वो तो प्यार का सागर है।
और चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही आत्मा को प्योर बनाता है, क्योंकि वो पतित पावन है। आत्माओं का प्यार तो हमें इम्प्योर बनाता आया, सारे कल्प में हमने देखा। परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, संगम युग जो है ना, हमें आत्मा को पवित्र बनाने का युग है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है, परम धाम में। टॉप क्वालिटी की आत्माएं टॉप फ्लोर पर रहती है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, घुमाता रहता है। परमात्मा का प्यार हमें ऊंच ले जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट दुनिया से पार ले जाता है। तो ये रियलाइजेशन अगर हम करते हैं तो हमारे दिल में परमात्म प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अभी ज्वाला स्वरूप योग के लिए ये प्यार, असीम प्यार क्यों जरूरी है? क्योंकि प्यार के सागर में हम जब खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, तो जब बाबा के प्यार में हम खो जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी है। तो इसलिए प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है। अभी उदाहरण की तरफ ले ले लीजिए, मैंने जलता हुआ कोयला अपने हाथ पर रख दिया, पकड़ लिया, क्या होगा भाई? एकदम लाल जलता हुआ कोयला, मेरा हाथ फट से जल जाएगा। तो ये से परमात्मा आत्मा के साथ जब कंबाइंड हो जाता है तो प्यार का सागर बाबा है, तो दूसरी तरफ ज्ञान सूर्य शक्तियों का सागर भी है। तो शक्ति स्वरूप याद में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है, परिवर्तन होती है। ऐसा ज्वाला स्वरूप योग हमें अनुभव होने लगता है। इसलिए कहते हैं जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुड़ जाती है, जोड़नी नहीं पड़ती है। जैसा प्यार वैसी तार जुटी, जितना प्यार उतनी देर तक आत्मा की बुद्धि जुटी रहती है। भाई हमारे पास क्या है? हम सभी बेघर है, कुछ नहीं है, ये घर भी किराए का है, ये शरीर रूपी घर भी हमारा नहीं, किराए से लिया है प्रकृति से। हमारे पास क्या है? केवल सुदामा के पास मुट्ठी चावल था, ऐसे हमारे पास केवल दिल का सच्चा प्यार है, और कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं मैं सौदागर हूं प्यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्या है आपके पास? तो संगम युग में हमें प्यार का सौदा बाबा के साथ करना है। और प्यार किससे होता है? जिससे अथाह प्राप्तियां होती है। बाबा के पास इतने खजाने हैं, बाबा कहते हैं सारे संसार की आत्माओं को मैं बांट दूं तो भी वो कुटते नहीं है, मैं क्या करूं? तो बाबा से हमें अथाह प्राप्तियां होती है। तो अटूट प्यार बाबा से हमारा होते रहना जरूरी है। हम देखते थे दादिया, जानकी दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी, बाबा से मिलते समय बाबा उनको गले लगाता था। तो क्या था उनके पास?
उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास हड्डी प्यार, जिगरी प्यार भगवान के प्रति था। रग रग में केवल परमात्म प्यार था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। सारी दुनिया देखती थी, स्टेज पर बाबा दादी को गले लगा रहा है, दादी बाबा के गले लग रही है, दुनिया देख रही है, तो ये किसका चमत्कार है? केवल प्यार। भगवान कहते हैं मुझे केवल प्यार चाहिए, दिल में सच्चाई चाहिए। और अभी पांचवी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए, ये जो योग की प्रोसेस है उसमें 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मस्ट नॉट बी 1% डिस्ट्रैक्शन। पूरी एकाग्रता उस योगाभ्यास की प्रक्रिया में होगी तो हमें ऐसा ज्वाला स्वरूप योग अनुभव होता है। तो ये केवल अभ्यास की बात है। हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प यह अभ्यास किया है, केवल रिपीटेशन हमें करना है। उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है, आपको पता होगा कौन सी यादगार है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। धनुष बाण को एक बिंदु पर, एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना, मारना, भेदना, ये विद्या सिखा रहे थे। तो एक दिन उन्होंने अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए क्या कहा, क्या किया, एक वृक्ष के डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया, पंछी की आंख में जो काली पुतली है, ब्लैक आई बॉल है, उसमें आपको तीर मारना है, ये लक्ष्य दिया। तो सहपाठी को बुलाया, आओ भाई सहपाठी, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा, हाँ बिंदी काली दिखाई दे रही है, नाक भी दिखाई दे रही है, पंछी भी दिखाई दे रहा है, डाल भी दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आओ, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, गुरु जी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो पंछी की आंख में जो काली पुतली है वही नजर आ रही है, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उसने कहा, तीर मारो। तीर उसने मारा, लक्ष्य को भेदा और पास वेद आना हो गया। तो ये किसकी यादगार है? कि हम बच्चों की यादगार हैं, कोई अर्जुन वर्जुन होकर नहीं गया है, हम बच्चों की यादगार ये शास्त्रों में है। तो हमें केवल अभ्यास करना है, बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा ज्ञान सूर्य को देखते रहना है। तो ऑटोमेटिक ऐसी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। एकाग्रता का मतलब क्या है? एक आग्रहता, आग्रह से, लगन से, दृढ़ता से एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना, उसको कहते हैं एक आग्रहता। अभी ज्वाला स्वरूप का सीक्रेट ही ये है
एकाग्रता, एकांत में बैठकर संपूर्ण एकाग्रता के साथ अभ्यास करना है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं क्लियर करने के लिए। मेरे पास कागज का एक टुकड़ा है। भारत में समर का सीजन चल रहा है। मई में कड़क धूप है सूरज की। मैं उस कागज के टुकड़े को जलाना चाहता हूं सूर्य की रोशनी में। कड़क धूप में मैंने उसको 10 दिन रखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं, वैसे के वैसे ही रहा। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने उसको जल्दी जलाना है, तो क्या करना होगा? सूर्य की रोशनी में मैग्निफाइंग लेंस पकड़ना होगा कागज के टुकड़े पर, तो सूर्य की किरणें उस लेंस पर पड़ेगी। लेंस पर पड़ते ही उससे जब पास होगी तो लेजर किरणें, एकदम प्रखर किरणें वो बनेगी, लेजर किरणें बनेगी। और ऐसे लेजर किरणें पूरी एकाग्रता के साथ आत्मा बिंदु पर पड़ेगी, नहीं कागज पर पड़ेगी बिंदु पर, तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और कागज सेकंड में जल जाएगा। तो ऐसे ही जब हम बुद्धि रूपी नेत्र से ज्ञान सूर्य बाबा को देखते हैं, बाबा की जो शक्तियों की किरणें हैं बुद्धि रूपी लेंस से जब ट्रांसफर होती है, पास होती है, तो लेजर किरणें बनती हैं, शक्तिशाली किरणें बनती है। ऐसी शक्तिशाली किरणें जब आत्मा पर एकाग्रता से, पूर्णतया एकाग्रता से एक बिंदु पर पड़ती है, तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और योग की ज्वाला धधकने लगती है, और उसमें हमारे कड़े संस्कार, कठोर संस्कार मेल्ट हो जाते हैं। सेकंड में उसका लिक्विफिकेशन होता है, वो खत्म हो जाते हैं। अभी सोने का गोला मेरे हाथ में है, मैं उसको मेल्ट करना चाहता हूं। अग्नि उसको लगा रहे हैं, सोनार उसको अग्नि लगा रहा है, तो अग्नि से वो लाल भी हो रहा है, गर्म भी हो रहा है, नरम भी हो रहा है। जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचेगा, तब तक वो नहीं पिघलेगा। से पांचों विकारों से संबंधित हमारे अलग अलग कठोर संस्कार है, उनको हमें परिवर्तन करना है। तो ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि देखो अभी तो हम योग कर रहे हैं, डेली मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन जब कारोबार में आते हैं तो थोड़ा सा कभी रोब आता है, कभी थोड़ी फीलिंग आ जाती है। ये क्यों होता है भाई? इसका कारण है वो जो विकारों के अंश आत्मा में हैं, ट्रेसेस ऑफ वाइसेस आत्मा में हैं, वो अभी पिघले नहीं है, उनका अभी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, 2017 के पहले ही बाबा ने इशारा दिया था मुरली में, कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है, क्योंकि टाइम जास्ती नहीं है,
थोड़े समय में हमें विकर्मों के बोझ को खत्म करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है और शक्तियों का स्टॉक क्योंकि अंत में हमें अनेक आत्माओं को शांति शक्ति देनी होगी। वो स्टॉक भी हमें अभी जमा करना है क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। हमको हजारों लाखों आत्माओं की पालना करनी है तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो चाहिए ना भाई खजाने। चार बच्चे की माँ होती है वो सोचती है चार बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास बराबर भोजन फूड होना चाहिए। हमें इतने लाखों आत्माओं की पालना करना है तो हमारे पास तो गोडाउन भरे नहीं होने चाहिए ना, शक्तियों के गोडाउन भरने चाहिए ना। तो गोडाउन भरने के लिए क्या करना होगा? गो डाउन, खुद में और खुदा में खो जाना तो खजाना मिलता है। सागर के लहरों में लहराने से क्षणिक आनंद मिलता है लेकिन माल तो असली तले पर है, माणिक हीरे मोती पैसे ही प्यार के सागर में खो जाना है, केवल लहरों में लहराना नहीं है। तो तभी हमें बहुत सुंदर अनुभव के हीरे माणिक मोती मिलेंगे। तो बाबा का इशारा वर्तमान समय ये है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें अमृत वेले या नमाज शाम के समय ऐसा पावरफुल योग करना ही है। आप देखना, दृढ़ता के साथ बैठो। आज मैंने ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करनी ही है तो होके रहेगी क्योंकि दृढ़ता की परछाई है सफलता। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता उस कार्य में हमें मिलती है, इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ बैठना है और पूरी एकाग्रता को साथ योग का अभ्यास करना है। फिर आप देखना आपको इतना मजा आएगा, इतना शक्तियां मिलेगी। सफल योगाभ्यास करना अर्थात आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, मैंने बहुत शक्तियां बाबा से प्राप्त की है, ऐसी अनुभूति करना, उसको कहते हैं सफल योगाभ्यास करना। ठीक है ना? तो मैं समझता हूं अभी आपको बहुत बातें क्लियर हुई होंगी। अभी हम बहुत सुंदर ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे प्लीज। और जैसे मैं संकल्प देता रहूंगा वैसे आप अनुभव करते जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर भी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु मकान माली भ्रुकुटि के बीच आंखों पे खिड़कियों के पास विराजमान
मैं आत्मा मकान मालिक शांत स्वरूप शांति की किरणें शांति के प्रकंपा चारों ओर फैल रहे परम शांति की अनुभूति मैं निराकार ज्योति बिंदु पवित्र स्वरूप पवित्रता का सुंदर ताज मौज आत्मा ने धारण किया है परम सुख की अनुभूति हो रही है सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा जो अपने सत्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को असली स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही और अनुभव भी कर रही भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा भाग्य विधाता भगवान हर रोग उस मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा यह पांच तत्व से बना हुआ शरीर पांच तत्वों में समा रहा है समा गया है मेरा मूल अस्तित्व केवल चमकते हुए ज्योति बिंदु के रूप में ही है मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा देह से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर
दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जान रही। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही उड़ती हुई जा रही। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मौज निराकार ज्योति बिंदु बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। झूलता ही जा रहा हूं। झूलते झूलते बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सकिल दे बच्चे मैं बेहद खुश हूं।
मैंने अपना खोया हुआ ला, पांच हजार वर्षों बाद पाया है, मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते, विभिन्न संबंधों की अनुभूति द्वारा स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर बुद्धि बल से उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गए, कितनी सुंदर न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश से प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम, मेरा स्वीट साइलेंस। ओ ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्यारे, प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिवबाबुल, मौज आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को निहार रही, उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलारा बाबा ही बाबा है। बाबा ही बाबा है, बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है,
हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। निरंतर शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही होती ही जाए। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। पावरफुल करंट के रूप में ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे भस्म होते ही जा रहे। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनों में पल है यह डायमंड मोमेंट्स। यह जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट महा ज्योति ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा वहां मेरा भाग्य इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति महा ज्योति शिव पिता के साथ मंगल मिलन का आनंद ले बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। उनकी सुखद कंपनी में मैं आत्मा परम सुख की परम आनंद की अनुभूति कर रही। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं डूबी सुख के सागर में समाई रहूं। मैं आत्म ज्योति
सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य परमात्मा को संपूर्ण एकाग्रता के साथ देख रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापी, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वापिस आ रही हूं। वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और पुनः इस शरीर रूपी मकान में भ्रुकुटी के मध्य विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मोज शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है। वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि चमक रहा है। मोज मस्तक मणि आत्मा से अष्ट शक्तियों की किरणें चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु है, निराकार ज्योति बिंदु है, निराकार ज्योति बिंदु है। ओम शांति शांति शांति।
शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए, हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करे आत्म अन्वेषण परिवर्तन आत्मचिंतन।